हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये मैं सराय काले खां से निकल चुका हूं और ये आपको बता दूं आईटीओ के पीछे से ये लाइन निकल रही है और आगे जाके बारह पुल्ला को क्रॉस करेगी। और बारह पुल्ला को क्रॉस करने के बाद में जब दोस्तों हम एक पिलर तो बीच में इस रोड के वह फिर ये लेफ्ट में हो जाएगी। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के। आज आपको यमुना रिवर का व्यू देने वाला हूँ। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर कितनी तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है और यमुना रिवर पर उसका ब्रिज बनाया जा रहा है RRTS का दोस्तों, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं ये आ चुका है बारह पुल्ला फ्लाईओवर, और बारह पुल्ला फ्लाईओवर के बीच में भी देख सकते हो वो वहाँ से जोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है, वो सामने दिखाई दे रहा होगा आप सभी को दोस्तों। और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही रोड के बीच में भी दो पिलर आ रहे हैं दोस्तों, तो वो कहाँ आ रहे हैं वो आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से दोस्तों। देखो ये आगे वो दिखाई देने लगे हैं, देख सकते हो ये बीच में एक पिलर ये आ जाता है जिस पर सेटरिंग अभी लगी हुई है और उधर भी है, देख सकते हो वो दो पिलर उधर है, दो पिलर ये खड़े हुए हैं, फिर ये इधर लेफ्ट में कर्व ले लेगी जो हम इस पर बारह पुल्ला फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे दोस्तों। देखो एक पिलर ये बीच में आ गया, इस पर सेटरिंग लगी हुई है, इसको ऊंचा किया जा रहा है दोस्तों। एक पिलर वो है जब हम ऊपर बारह पुल्ला के लिए चढ़ेंगे दोस्तों लेफ्ट से। तो आगे तो इधर से हम आगे चलेंगे तो ये है देखियो सूर्य घंटा, और सूर्य घंटा के हम अंदर चलेंगे और अंदर देख सकते हो ये बारह पुल्ला का फ्लाईओवर उतर रहा है दोस्तों, जो जा रहा है आश्रम की साइड और नोएडा DND की साइड में दोस्तों। तो वहीं का ये नज़ारा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर थोड़ा सा वैसा दोस्तों आप सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये वीडियो हिल रहा था तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसी वजह से। तो आप लोग ज़्यादा निराश मत होना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास, तो इसी वजह से ये वीडियो हिल रहा था, लेकिन आगे का वीडियो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये मेरे राइट में जा रहा है DND, और इसके बगल में ये वाच की है यमुना रिवर, और यमुना रिवर के ऊपर ही RRTS का ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। और दिखाते हैं आपको चल के कि कितना कुछ वर्क यहाँ पर हो गया है कंप्लीट, तो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये देखो ये सारे ये ज़मीन के अंदर ही डाले जाएंगे, ठीक है। इधर से तो रास्ता है नहीं था, रास्ता है इधर से, चलो चलो चलो, चलो। तो यहाँ तक ये बायोडक्ट जोड़ दिया है उस लॉन्चर ने, देख सकते हो, और ये यमुना रिवर है, ये काम चल रहा है यहाँ पे। भाई रोक लो, ऐसा ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। क्या हाल है जी, चल रहा है काम? तो ये देखो इस तरीके से ये वेल फाउंडेशन बनाया जाता है, तस्वीरें देख सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा ये वेल फाउंडेशन, और इस पर ऊपर खड़ा करते करते और ये नीचे अब इसमें बीच में पिलर बनाया जाना है, और देख सकते हो कुएं टाइप का है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसमें पहले तो ये बनाते हैं, फिर इस पर वजन रखा जाता है, फिर इसको नीचे अंदर दफाया जाता है, उसके बाद में फिर इसमें अंदर पिलर बनाया जाता है। तो ये है नज़ारे दोस्तों, चलते हैं आगे दिखाते हैं आप लोगों को कि आगे का क्या सीन है। देखो यहाँ पर सारी मशीनें भारी भरकम लगी हुई हैं दोस्तों। तो आज मैं पहली बार आपको यही कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यही वाला पार्ट बचा हुआ था आप सभी के बीच में दोस्तों, तो ये मैं बिल्कुल आज कंप्लीट कर दूँगा। देख सकते हो यहाँ पर ये
टीम लगी हुई है एफकॉन द्वारा, यहाँ पर काम किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। तो देख सकते हो ये बैल फाउंडेशन को बनाया जा रहा है, ये बैल फाउंडेशन को फिर इससे नीचे धसा दिया जाता है। तो कुछ यही है सीन यहाँ का, देखो किस तरीके से यहाँ पर ये बैल फाउंडेशन बनाया जाता है दोस्तों। देखो ये सारे में अब इसमें बीच में ये पिलर बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा? अभी तो ये बैल फाउंडेशन बना रहे हो ना, ये बैल फाउंडेशन बना, अच्छा ये अभी बैठेगा, अच्छा इसका देखो ये बैल फाउंडेशन बना रहे हैं, और बैल फाउंडेशन बना के फिर ये इस पर वजन रखा जाएगा, इसको नीचे धसाया जाएगा दोस्तों ज़मीन में, इस बैल फाउंडेशन को नीचे ज़मीन में धसाया जाता है। देखो ये है कुछ बैल फाउंडेशन यहाँ का, तो बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर वर्क चल रहा है, और जो कंपनी यहाँ वर्क कर रही है वो है एफकॉन्स द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों। और यह है यमुना रिवर दोस्तों, और बगल से ये है हमारा DND फ्लाईवे देख सकते हो। और अगर हम इससे उस साइड में जाते हैं तो वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे दोस्तों। तो कुछ यही वर्क चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का, तो जो ज़मीन में डाले जाते हैं वो ये वाले डाले जाते हैं दोस्तों। देखो ये बैल फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देखो बीच में तो ये पिलर एक बना दिया इन्होंने, अभी इस पर भी बनाया जाना है, इधर भी यहाँ पर शायद ये बैल फाउंडेशन का ही काम चल रहा है। तो देखो इधर भी देख लो बैल फाउंडेशन कैसा बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। देखो एक ये है बैल फाउंडेशन, अभी इस पर ये बैल बनाया जाएगा, और बॉल बना के फिर इसको दिखाया जाएगा नीचे, फिर उससे बीच में एक पिलर बनेगा बाद में। तो उधर देखो इन्होंने बना दिया है, तो चलो चलते हैं उधर का ही दिखाते हैं आप सभी को, तो किस तरीके से ये बैल फाउंडेशन बनाया जाता है दोस्तों, वो आप लोगों को दिखाते हैं चल के। देखो यहाँ पर ये पिलर एक बन चुका है, दूसरा भी बन चुका है बैल फाउंडेशन पे, तो वो भी आप लोग देख लो, क्योंकि यहाँ पर जो टीम वर्क कर रही है वो है एफकॉन्स, और एफकॉन्स ही द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो आज मैं सारा ही कवर कर देता हूँ आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देखो कुछ ऐसा ये बैल फाउंडेशन, ये पूरा पिलर बन चुका है, कुछ इस तरीके से ये पिलर बनाया जाता है, पिलर नंबर 102 23 32। तो कुछ ऐसा ये पिलर बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं चल के, ये भी देखो पिलर ये भरा जा रहा है बैल फाउंडेशन के अंदर ही, ये बैल फाउंडेशन है देखो, ये बैल फाउंडेशन के अंदर कैसे इन्होंने पिलर को ये बनाया है दोस्तों, वो आप लोग देख लो। देखो किस तरीके से ये बैल के अंदर और ये पिलर बनाया है, देखो ये पूरा बैल है, अब ये बिल्कुल अंदर धसा दिया इन्होंने, और धसा के फिर इसमें बीच में ये पिलर बनाया जाता कुछ इस तरीके से, और कितनी मजबूती के साथ में ये पिलर बनाया जाता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से, क्योंकि आगे भी बनाया जा रहा है। तो इसका पानी इन्होंने कहाँ से निकाला है, ठीक है, इसका पानी तो नहीं आ रहा, अच्छा ये पाइप द्वारा पानी निकाला गया है दोस्तों नीचे अंदर, जो पानी निकल रहा है वो इधर से निकल रहा है। तो चलो इधर का भी दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे बैल फाउंडेशन बना दिए, देखो वो भी पिलर बन गया है, इधर का भी पिलर बिल्कुल बन के कम्प्लीट सा ही हो गया है। तो ये जो यमुना का पानी है वो इन्होंने पीछे से ही रोक रखा है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मशीन से ये कंक्रीट भरा जा रहा है इसके अंदर, ये देख सकते हो ये इसमें यहाँ पर ये कंक्रीट भरा जा रहा है इसके अंदर सारे में, उस पिलर को भरा जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही इधर भी बनाया जाना है इसमें बैल फाउंडेशन, ठीक है दोस्तों, और बढ़िया देख सकते हो। ये है जो लास्ट पिलर है दोस्तों, वो ये वाला है, यहाँ पर ये लास्ट पिलर ख़त्म हो चुका है, फिर यमुना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने ऊपर के भी बनाया है, तो चलो मैं आप लोगों को उधर से ही दिखाते हैं कि उधर कितना कुछ काम बचा है कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि ये इन्होंने लास्ट पिलर तो ये बिल्कुल कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, ये देख सकते हो ये बिल्कुल पिलर बन गया है,
इसका फाउंडेशन बनाकर ऊपर अब इसमें ऊपर भरा जाएगा। तो ऊपर का भी आप लोगों को देखो, इधर का भी मैं दिखा देता हूँ ऊपर चढ़ के, ऊपर कितना कुछ काम बचा हुआ है। देखो ये सारे में टीम लगी हुई है जो सरियों को कर रही है, ये देख सकते हो कुछ ये बनाया जा रहा है। यहाँ का नज़ारे देख सकते हो, और इधर भी एक पिलर है दोस्तों, ये जो लास्ट पिलर है यमुना के अंदर वो ये वाला है दोस्तों, ये देख सकते हो। ये वेल फाउंडेशन बनाया जाता है इस तरीके से, ये पानी भरा पड़ा है इसके अंदर वेल फाउंडेशन के, ये देखो ये पानी भरा हुआ है। अभी इसको पानी छोड़ के अब फिर इसमें बैल बनाया जाएगा, बैल बना के फिर इसको अंदर धसाया जाएगा, फिर उसके बाद में जाके कहीं पिलर बनेगा दोस्तों। तो यही है, और यहाँ से ये यमुना रिवर स्टार्ट हो जाती है। तो दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा, तो ऊपर क्या कुछ वर्क चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसे हो साहब? बढ़िया। चलो ऊपर दिखाते हैं चढ़ के आपको कि कैसा है नज़ारा यहाँ का। देखो यहाँ पर इन्होंने सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से बनाई हुई हैं, ये देख। तो ये हैं सीढ़ियाँ दोस्तों जो बनाई हैं इन्होंने वेल फाउंडेशन। देखो किस तरीके से बनाया है वो देख लो, इधर भी बनाया उधर भी बनाया है। तो चलो दिखा देते हैं और आपको बता दूँ कि ये नज़ारा है यमुना रिवर के अंदर का। यमुना रिवर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, आगे है यमुना रिवर। तो आप लोगों को ये वाला वेल फाउंडेशन दिखा देते हैं, देखो कुछ ऐसा है वेल फाउंडेशन दोस्तों, देख सकते हो तस्वीर। तो चलो मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ, और एक किस तरीके से ये बनाया जाता है वो आप लोग देख लो, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो ये वेल फाउंडेशन बनाया है, वेल फाउंडेशन बना के फिर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पिलर को बनाया जाता है इसके अंदर दोस्तों। देखो ये इन्होंने फाउंडेशन कर दिया है बिल्कुल, और फाउंडेशन करके फिर इस पिलर को खड़ा किया जाता है इस तरीके से, देख सकते हो तस्वीर। तो चल तो आगे वो वाला पिलर दिखाते हैं आप लोगों को, वहाँ पर देखो ये क्रेन मशीन लगी हुई है, और क्रेन मशीन किस तरीके से वर्क करती है वो आप लोग देख लो। देखो इसके ये वाले रिंग हैं, ये रिंग पड़े हुए हैं, ये रिंग बांधे जाएंगे फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों। तो चलो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये मिट्टी डाली जाती है और निकाली जाती है इस वेल फाउंडेशन में, वो आप लोग देख लो। मैं और आपको बता दूँ कि ये यमुना रिवर का नज़ारा है दोस्तों, जो कि DND फ्लाईवे भी जा रहा है उधर से। तो देखो कुछ ये पानी भरा हुआ है वेल फाउंडेशन के अंदर दोस्तों, और इसके अंदर अभी इसमें भी वेल फाउंडेशन बनाया जाएगा। क्या हाल है? बढ़िया लग रहे हो काम पे? देखो कुछ इस तरीके से ये मशीन निकालती है वेल फाउंडेशन के अंदर से मिट्टी, और फिर इसको मिट्टी निकाल के फिर इसको धसा जाता है ज़मीन के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देख लो किस तरीके से ये धसाते हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखो कुछ इस तरीके से ये धसाते हैं, देखो इनके थ्रू, देखो ये है ना सांचे, ये ही ज़मीन के अंदर जाते हैं। तो आप लोग देख लो कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। देखो इसकी ये मिट्टी निकाली जा रही है, देखो ये निकाल कर ला रहे हैं, अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और वेल फाउंडेशन देखो कितनी ऊंची लेयर बनाई जाती है, कितनी भारी भरकम ये लेयर है दोस्तों, देखो कितनी भारी लेयर है ये, और तब ये ज़मीन के अंदर जाती है, उसमें मिट्टी निकाली जाती है। मिट्टी निकालने के बाद में फिर इस पर वजन रख के इसको नीचे दबाया जाता है वेल फाउंडेशन को, ताकि ये बहना जाए दोस्तों। तो ऐसा ही नज़ारा चल रहा है पूरे आगे तक। तो आगे तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये निकल कर आ रहा है, इसे देख लो कि किस तरीके से ये निकल कर आता है, और फिर इस पर उधर ये मिट्टी डाल दी जाएगी दोस्तों। देखो निकल कर आ रहा है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, और देख सकते हो क्रेन मशीन कितनी भारी भरकम है दोस्तों। ये क्रेन मशीन है, और इसके द्वारा ये भी, और ये देखो अब ऊपर आने वाला है, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। छोड़ते हैं निकालते हैं, छोड़ते हैं निकालते हैं,
जैसे पहले ऊपर को उठाते हैं फिर नीचे को दिखा देते हैं, देख सकते हो कुछ यही नज़ारे हैं यहाँ के। तो ये चलता रहता है, दिन रात काम करता रहता है, आगे भी है तो आगे का आप लोगों को दिखा देते हैं। इनसे ही मिट्टी निकाली जाती है अंदर की, देखो कुछ ऐसे होते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो इसी के द्वारा इसमें अंदर डाला जाता है और फिर मिट्टी को निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि ये धंसता चला जा रहा है नीचे को, तो इसके किनारे पर खड़ा होना ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं दूर को खड़ा हूँ थोड़ा। अब ये मिट्टी निकलेगी फिर आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों कि किस तरीके से, देखो अब ये फिर अंदर चला गया। कुछ इस तरीके से ही ये डालते हैं, तो ये सारे में ही वेल फाउंडेशन बन गए, मतलब आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये सन 2025 में ही जाकर ये ख़त्म होगा जाकर। तो आप लोगों को यहाँ पर चढ़ के दिखाते हैं कि यहाँ का जो काम है वो कितना बचा हुआ है। चलो मैं आप लोगों को पूरा दिखा देते हैं, क्लियर कर देते हैं इस पर चढ़ के, फिर उधर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने देखो इस तरीके से ये लेवल बनाया जाता है, देख सकते हो कुछ ये लेवल है यहाँ का, ये देखो ये देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से ये लेवल बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और चढ़ते हैं ऊपर फिर आप लोगों को दिखाते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और जो यहाँ की टीम जो वर्क कर रही है दोस्तों, वो सब टीम सारी बाहर की है, कोई यहाँ पर लोकल का बंदा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को इधर से चढ़ के दिखा देता हूँ। चढ़ने के बाद में देखो कुछ ये सीन है यहाँ का, तो ये चल रहा है यमुना रिवर पे काम दोस्तों। देखो ये वेल फाउंडेशन बना के और फिर कुछ इस तरीके से वर्क किया जाता है। तो उधर वो मशीन लगी हुई है, उधर का भी उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, देख सकते हो। तो मैं इसको